आपका स्वागत है YouTube चैनल ITI कैंपस इंटरव्यू में। हिंदुस्तान हाइड्रोलिक पावर्स कॉरपोरेशन की तरफ से एक और वैकेंसीज न्यू लेटेस्ट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सरकारी पक्की नौकरी है, जिन बच्चों ने ITI डिप्लोमा कोर्स कर रखा है वो आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 500 पोस्ट रखी गई है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और सिविल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज रखी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। सैलरी की बात करते हैं, स्टार्टिंग 35,300 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा। बाकी आपको 5 से 6 डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आपकी रहेगी पे स्केल के हिसाब से 1,19,000 रुपये तक सैलरी देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन विज्ञप्ति अभी आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म, ITI डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, लगभग 500 पोस्ट है। लास्ट डेट की बात करेंगे, प्रोसेस क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी और साथ ही साथ में SC ST के लिए बिल्कुल फ्री में है, आवेदन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर से वैकेंसीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसीज हो, प्रतिदिन है वो 3 से 4 वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है। 3 वीडियो लगभग प्रतिदिन अपलोड की जाती है किसी भी तरह की वैकेंसीज आती है। और सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा कि ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब चाहते हो तो पैसा नहीं देना है। जो भी प्लेसमेंट के माध्यम से जा रहा है छात्र हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं उनको बताना चाहूँगा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया जाता है, कॉल कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और जॉब के नाम पे कोई पैसा नहीं देना है। बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए जॉब रहने वाली है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ले चलते हैं ITI जॉब 2021 स्टूडेंट, देखते हैं कंपनी की पूरी डिटेल, देन वीडियो पूरा देख। 2021 स्टूडेंट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सर्च करना है, ठीक है। ये सर्च करोगे तो नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगा, पेज पे क्लिक करोगे तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स लेटेस्ट वैकेंसीज है, NHPCL लिमिटेड रिक्रूटमेंट निकली गई है, रिक्वायरमेंट 2023 की। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, इसमें पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, अप्लाई करने का लिंक लेकर सब कुछ डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगा, विज्ञप्ति भी दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो हिंदुस्तान हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसीज है जिसमें आपको जूनियर इंजीनियरिंग और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए पोस्ट रखी गई है, जॉब अक्रॉस इंडिया के अंदर आपकी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए ITI ड्राफ्टमैन सिविल होना चाहिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं, साथ ही साथ में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, साथ ही साथ में हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट यहाँ पे जा सकते हैं, साथ ही साथ में सुपरवाइजर ITI के लिए डिप्लोमा BSc BA BCA BSc डिग्री कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा इन आप देख सकते हो, सर्विस के लिए इंजीनियरिंग कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं, सीनियर अकाउंटेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जाएगा CA पास आउट स्टूडेंट या CAM जो पास आउट है इंटर वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हो डिग्री डिप्लोमा वाले मास्टर डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 14 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट है, सुपरवाइजर के लिए ITI वालों के लिए 9 पोस्ट है, सुपरवाइजर सर्विस के लिए 19 पोस्ट हैं, सीनियर अकाउंटेंट के लिए 28 पोस्ट हैं, हिंदी स्ट्रक्चर के लिए 14 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए 149 पोस्ट, यहाँ से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रखी गई है सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए फर्स्ट नंबर कॉलम जो ITI वालों के लिए है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिशियन के लिए 74 पोस्ट रखी गई है, जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 63 पोस्ट रखी गई है, जूनियर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वालों के लिए 10 पोस्ट रखी गई है। अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर, तो ड्राफ्टमैन के लिए सैलरी 25,000 से लेकर 85,000 रुपये प्रति महीना रहने वाली है, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 29,000 से लेकर 1,19,500 रुपये रहेगी, सुपरवाइजर के लिए 29,500 से लेकर 1,19,500 रुपये तक रहने वाली है, सीनियर अकाउंटेंट के लिए 29,600 से लेकर 1,19,500 रुपये तक रहने वाली है, हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 27,000 से लेकर 1,05,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, CBT टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा, विज्ञप्ति पढ़ लेना, सारा सिलेबस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी लगभग और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कितने परसेंट पूछे जाएंगे, कितना टाइमिंग रहेगा, आपको वहाँ पे विज्ञप्ति पे मिल जाएगा।
अप्लाई करने की फीस की बात करते हैं तो जूनियर EWS OBC NCL के लिए 295 रुपये रखा गया है, SC ST PW और ESM के लिए NIL है, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो क्लोजिंग डेट आपकी 9 जून रहेगी, सॉरी फ्रेंड, क्लोजिंग डेट आपकी 30 जून रहने वाली है। ओपनिंग डेट यानी फॉर्म डलना स्टार्ट हुए हैं वो 9 जून से हुए हैं। विज्ञप्ति पढ़नी है तो क्लिक हेयर पे करना है, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो विज्ञप्ति आपके सामने संपूर्ण रूप से खुल के आ जाएगी। विज्ञप्ति अवश्य रूप से पढ़ें, सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन विज्ञप्ति के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, नेट स्लो है इसलिए यहाँ पर खुल नहीं पा रहा है, लेकिन विज्ञप्ति आपके सामने है वो खुल जाएगी, ठीक है। आप विज्ञप्ति अवश्य रूप से पढ़ें, विज्ञप्ति के अंदर पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्ट्रक्चर रखा गया है, यहाँ पे डिटेल आपको दे रखी है। देन आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो गवर्नमेंट सेक्टर से तैयारी कर रहा है, जो IT डिप्लोमा स्टूडेंट है, वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।